अजीज़ दोस्तों और साथियों, आज हम बात करेंगे एक सोशल इशू के ऊपर जो कि सेहत से मुतालिक है, सेहत इंसाफ कार्ड से मुतालिक है। पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पर सोशल सेफ्टी नेट होता है, वहाँ पर तालीम मुफ्त में दी जाती है, सेहत के तमाम तर जो वो होते हैं फैसिलिटीज़ होती हैं, सहूलियात होती हैं, वो मुफ्त में ही फ्राहम की जाती हैं। जो डेवलपिंग माशरे हैं हमारे यहाँ बजट के मसाइल होने की वजह से हुकूमतें सोशल सेफ्टी नेट पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। हर हुकूमत ये ऐलान करती रहती है कि किसी तरह से हम जो मरीज़ होते हैं या जो बीमार अफराद होते हैं उनका मुफ्त इलाज करवाएं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर वो वसाइल मौजूद नहीं होते हैं, दवाइयाँ मौजूद नहीं होती। अगर दवाइयाँ मौजूद भी हैं तो फिर ओपीडी में डॉक्टर्स की उस तरह से अवेलेबलिटी नहीं होती। उसके बावजूद अगर गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो तो सरकारी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ तरह के जो मरीज़ होते हैं उनका इलाज आसानी से हो सकता है, फ्री में हो सकता है। लेकिन एक और इशू ये भी है कि हमारे यहाँ लेब्स की फैसिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उस तरह की लेब्स मौजूद नहीं है जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर। अलबत्त मशीनें भी मौजूद हैं, एक्वायर की जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो टेक्नीशियंस होते हैं या वहाँ पर जो अमला होता है उनकी उस अंदाज से तरबियत नहीं होती जिस अंदाज से तरबियत होनी चाहिए कि वो मशीनों को प्रॉपर ऑपरेट करें और फ्री में मरीज़ों का इलाज करें, डायग्नोसिस करें, उसके नतीजे में उन डायग्नोसिस के नतीजे में मरीज़ का मुफ्त में इलाज हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोशल सेफ्टी नेट का इजरा किया, वो है सेहत इंसाफ कार्ड। और सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए से शुरू शुरू में तो आवाम का सेहत इंसाफ कार्ड पर इतना एतबार नहीं था, लेकिन अब सेहत इंसाफ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से और मरीज़ों के मुख्तलिफ़ मरीज़ों के जो वो अफराद जो कि मुतवसत तबके के होते हैं या गरीब तबका होता है उनकी इलाज फ्री में होने के बाद से अब लोगों का ट्रस्ट उस पर बिल्ड हो रहा है। तो अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करती है तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए और इन इकदामात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अफराद जो कि सरकारी अस्पतालों में जाके दर दर की ठोकरें खाते हैं, आज वो निजी इदारों के अंदर जाके, निजी जो अस्पताल हैं वहाँ पर जाके अपना इलाज 10 लाख का उसके अंदर पैकेज होता है, उससे अपना इलाज करवा सकते हैं, पूरी फैमिली की कवरेज उसके अंदर मौजूद है। इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे पास मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान और ज़िला हंजा। ज़िला हंजा में हुसैनाबाद गांव है, मेरा भाई गांव है, हमारे एक मामू हैं फरमान अली, जो कि जिनको आर्ज़ाए कल्ब था, आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है। गिलगित में उनकी इब्तदाई जो है डायग्नोसिस हुई, उसके बाद से वो इस्लामाबाद आए और रावलपिंडी में आके RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज के लिए गए। तो जाहिर बात है जो दिल का इलाज होता है काफ़ी महंगा होता है, तो इनको स्टंट लगने थे, 3 स्टंट लगने थे, लेकिन इनके पास सेहत इंसाफ कार्ड था, तो जिसके नतीजे के ऊपर सेहत इंसाफ कार्ड की उस फैसिलिटी को उन्होंने अवेल किया है। वो जो कार्ड का पैकेज था उसमें से तकरीबन 3 से 3.5 लाख का ख़र्चा था जो कि फ्री में इनका हुआ है, इलाज फ्री में हुआ है। इस पर इनसे पूछते हैं, फरमान अली साहब बनफ्स नफीस मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि शुरू में इनको क्या परेशानी लाहक थी और इस सेहत इंसाफ कार्ड के इस्तेमाल से कितना इनको फ़ायदा हुआ है। जी मामू, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप बताएँ कि आपके साथ क्या हुआ था इनिशली? हमारे पास इतना वसाइल नहीं था कि मैं अपना कुछ घर का कुछ जो भी मतलब कुछ महंगा चीज़ बेच के मैं अपना इलाज कराऊंगा कहकर मैं इधर आया था। तो यहाँ शुक्र ये है कि इमरान खान का जो हमें कार्ड मिल गया उससे हमारा इलाज में 1 रुपये भी खर्च नहीं हो गया, मुफ्त में हमारा इलाज हो गया। तो शुक्र हम और अल्लाह को करते, दूसरा हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान को करते। अच्छा, आप ये बताएँ कि मामू, जो सेहत इंसाफ कार्ड आपके पास नहीं था तो आपको कब मिला और आपको कौन सी बीमारी लाहक थी? मुझे गिलगित में हुआ था, हार्ट का हुआ था, तो उसमें फिर मैं हमारा खुंजा का डॉक्टर है एजाज अयूब, उसके पास गया तो उसने जो है इधर के लिए रेफर किया, फिर हम इधर आ गए। इधर आके 2 दिन हमारा इधर जो है एंजियोग्राफी हुआ था, तो फिर कार्ड का भी हमें मैसेज आ गया, तो वहाँ बगैर उससे जो है हमारा स्टेन लग गया। तो कितने स्टंट्स आपको लगे हैं? 3 स्टंट। अच्छा, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इंशाल्लाह कल हम वापस गिलगित जाएंगे अल्लाह ने। अच्छा, जो RIC में आपका इलाज हुआ इससे आप मुतमईन हैं? डॉक्टर्स ने आपकी बहुत अच्छे अंदाज से ट्रीटमेंट किया? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ जो है, बहुत इज्जत किया, बहुत खिदमत किया। तो आप क्या कहेंगे जिनके पास सेहत इंसाफ कार्ड मौजूद है,
जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं जो बीमार हैं, अब उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा कि उनको कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं? इस हवाले से कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए सेहत कार्ड उनको मिला है, वो आके यहाँ बग़ैर पैसों से इलाज करा सकते हैं। वहाँ तो जो है अस्पताल में इतना वो नहीं है, सहूलतें नहीं है। तो आप ये बताएं कि जो आपको जब मिला तो आपने क्या महसूस किया कि चूँकि ज़ाहिर बात यहाँ आना गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ आना, उसके बाद से फिर यहाँ के रहना और उसके बाद से इलाज का सारा सिलसिला, तो जब आपको ये मिला तो आपने क्या महसूस किया? बहुत खुशी मुझे हो गई, यहाँ आके जो है वो मुझे वो मैसेज आ गया वो अपना ये सेहत कार्ड का, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब हॉस्पिटल में हम चले जाते हैं तो कार्ड दिखाना पड़ता है, तो आपने क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया कार्ड के बग़ैर भी ये अब आप CNIC पे इलाज करवा सकते हैं? वहाँ ऊपर अस्पताल के अंदर वो लगा हुआ पोस्टर पता नहीं जी वो लगा हुआ था, वहाँ लोग बैठे हुए हैं सेहत कार्ड वाले, वहाँ सिर्फ सेहत कार्ड ले जाकर देना पड़ता है, बस ज़्यादा वहाँ नहीं, वो सेहत कार्ड दे दो वहाँ आपका जो है सब कुछ तैयार होगा। थैंक यू सो मच। ये है मामू फरमान अली जो कि खुश हैं, इनको अर्ज़ कल्ब लाहक था, इनको 3 स्टंट्स लगे हैं RIC में। फ्री में इलाज जो है अमूमन एक स्टंट जो है 1 लाख से ऊपर होता है उसकी जो कीमत होती है, फिर वह मेडिकल सप्लाईज़ के इश्यूज़, फिर डॉक्टर के अखराज, ये तमाम मिला के अच्छा खासा ख़र्चा बनता है। अगर किसी प्राइवेट इदारे में अगर इसका इलाज हो तो ये लगभग 5 से 6 लाख का ख़र्चा है। बहरहाल एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को हमें अवेल करना चाहिए। तो इस तरह से अगर सोशल सेफ्टी नेट होता है तो कम से कम जो है आवाम का एतबार हुकूमत पर कायम होता है, फिर हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं। यही नहीं, चूँकि आवाम पर बहुत भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं, अब हुकूमत का काम है कि सेहत के साथ साथ तालीम और दीगर जो बुनियादी सहूलतें हैं, पीने का साफ़ पानी है, वो तमाम चीज़ें मुहैया करें। यकीनन सेहत के इंसाफ कार्ड एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, ये सोशल सेफ्टी नेट का एक बड़ा मिसाल है। ऐसी मिसालें कायम होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पर, खसूसन उन इलाकों में जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर कोई टर्शरी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, वहाँ पर बेसिकली सेकेंडरी केयर के यूनिट्स मौजूद हैं, वहाँ पर उस तरह से जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो नहीं मौजूद। अब हुकूमत को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक टीचिंग हॉस्पिटल कायम करें, ताकि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो मरीज़ यहाँ इस्लामाबाद आते हैं उनको भारी भरकम उनके अखराजात होते हैं, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो यहाँ होटलों में ठहरते हैं या कराची या लाहौर जाके इलाज करवाते हैं, तो वो होटलों में ठहरते हैं, तो होटलों का जो ख़र्चा है उनका नहीं होगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर एक हॉस्पिटल बनता है, कोई टीचिंग हॉस्पिटल बनता है, तो उससे कम से कम वहाँ जो तकरीबन 20 से 25 लाख की आबादी गिलगित बल्तिस्तान की है, वहाँ के जो मरीज़ हैं उनके लिए तकालीफ नहीं होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मरीज़ के अटेंडेंट काशान से बात करते हैं, काशान इनके बेटे हैं फरमान साहब के, इनसे पूछते हैं कि वहाँ जब ये गिर पड़े थे इनके वाले से क्या इशू था जिसकी वजह से गिर पड़े थे, और क्या ये फिट्स आ गए थे या कोई और इशू था, सर चक्कर आ गया था, क्या मसला था, काशान से पूछते हैं। जी काशान, आप ये बताएं कि आपके वालिद के साथ क्या प्रॉब्लम पेश आया था गिलगित में? सर सुबह के कोई 9 बज रहे थे, तो हम काम पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो इतने में मेरा छोटा बन जाए उसने बाहर से आवाज़ दी कि वालिद साहब मेरे गिर पड़े। जैसे मैं बाहर गया तो वालिद साहब बेहोश पड़े हुए थे, तो तब तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन खुद को संभाल के मैं वालिद साहब के पास गया, उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो चक्कर ला के गिर गए, उनकी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी सर पर, तो उधर से मैं उनको उठा के किचन ले के आया। किचन ला के कोई उस दिन 3 बजे हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि इनको एक माइनर सा अटैक आया था हार्ट का, तो इस तरह मुझे पता चला कि इनको हार्ट का मसला है। अच्छा, इससे पहले क्या डायग्नोज हुआ था, हार्ट का इशू था पहले? सर नहीं, उससे पहले आज तक कोई ऐसा अलामत नहीं मिले थे कि इनको कोई हार्ट का इशू है, क्योंकि वालिद साहब सेहत में अच्छे खास हैं, तो उससे पहले कोई ऐसा इशू नहीं आया था इनको। अच्छा, तो आप ही बताएं कि अब सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए से वालिद साहब का इलाज हुआ, तो शुरू में आप लोगों को कोई परेशानी तो लाहक नहीं हुई कि यार हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, किस तरह से बजट मैनेज होगा, कोई इशू तो नहीं हुआ इस तरह? सर सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि वालिद साहब अभी फिट हैं बिल्कुल। उसके बाद जो ये प्रोग्राम इमरान खान साहब ने लेके आए हैं उससे हम जैसे बहुत सारे ख़ानदानों को सहूलत हो गई है कि वो एक ऐसा इलाज जो लोगों के रेंज से बाहर है वो इजली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल
फ्री है। थैंक यू सो मच। काशान ने बात की कि एक ऐसा इलाज जो कि लोगों के रेंज में नहीं आता, तो 10 लाख का ये पैकेज है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाकों के, अगर कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मामला होता है, कोई बीमार होता है, तो कम अज़ कम उनके लिए एक सोशल सेफ्टी नेट है इस बिना के ऊपर के वो कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाके, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अपना प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं। तो इस तरह के सोशल सेफ्टी नेट्स का आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन तबकात को जहाँ पर सेहत की सहूलियात मुहैया नहीं है।